कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता प्रेम कौशल ने बीजेपी सरकार पर पेयजल किल्लत को लेकर तीखा हमला बोला है। प्रेम कौशल ने हमीरपुर में कहा कि प्रदेश के तकरीबन सभी जिलों में पानी की किल्लत गहराना आपातकालीन स्थिति को दर्शाता है। कौशल ने कहा कि पानी की किल्लत पहले भी होती आई है, लेकिन इस बार पूरी व्यवस्था चरमरा गई है और बीजेपी सरकार पूरी तरह से पेयजल किल्लत को दूर करने में फेल होती नजर आ रही है। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता प्रेम कौशल ने सरकार को घेरते हुए कहा कि यूपीए सरकार ने ही हमीरपुर के लिए शुद्ध पानी मुहैया करवाने के लिए स्कीम दी थी, लेकिन बाद में स्कीम का कुछ नहीं हो सका। उन्होंने कहा कि अगर ये स्कीम बन जाती तो पेयजल के लिए राहत मिलती, लेकिन बीजेपी नेताओं के द्वारा विकास काम के लिए अड़ंगा अड़ाते रहे हैं, जिस कारण आज हमीरपुर की जनता भी पेयजल के लिए त्राहिमाम कर रही है। पूरे प्रदेश के अंदर जो गर्मी है उसने अपना रौद्र रूप धारण किया है और गर्मियों के मौसम में जैसा कि सब जानते हैं जो पानी है उसकी डिमांड जो है वो हमेशा बढ़ जाती है, चाहे वो पीने के पानी की हो चाहे दूसरा इस्तेमाल पानी का हो। लेकिन दुर्भाग्य से इन गर्मियों में पूरे हिमाचल प्रदेश में वो चाहे शिमला हो चाहे हमीरपुर टाउन हो चाहे पूरे हिमाचल प्रदेश की आप बात करें, पीने के पानी की भारी करना पड़ रहा है। एक तरह से इमरजेंसी जैसे हालात जो हैं वो पैदा हो चुके हैं। आज हिमाचल प्रदेश के अंदर अरबों रुपया खर्च करके बहुत सारी बड़ी बड़ी पेयजल योजनाएं जो हैं वो पूर्व में जो सरकारें हिमाचल प्रदेश में रही कांग्रेस पार्टी की, उन सरकारों के चलते वो बनी। और इतनी पानी की कमी हिमाचल प्रदेश के अंदर हुई नहीं थी। अगर कभी मानो किल्लत हुई तो उसकी आपूर्ति टैंकरों के माध्यम से प्रशासन करता था, लेकिन इस बार पूरी व्यवस्था जो है वो चरमरा गई है। प्रशासन की तरफ से कोई इस तरह के बंदोबस्त नहीं है, कोई इंतजाम नहीं है। स्कीमें हांप चुकी हैं, बिजली हमारी जो दरिया की स्कीम है उसको लेके कहते हैं वोल्टेज का प्रॉब्लम है। अब ये किस तरह का प्रॉब्लम है ये तो प्रशासन को और संबंधित विभागों को देखना है। आनी चाहिए जिसको देने में सरकार पूरी तरह से विफल रही है। हमीरपुर टाउन की मैं बात करूँ, हमारी यूपीए की सरकार ने हमीरपुर टाउन के लिए नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन एक स्कीम थी नेहरू जी के नाम से, उसके तहत एक स्कीम हमीरपुर टाउन के लिए प्रपोज की थी, जिसके लिए हिमाचल सरकार ने अपना हिस्सा जो 90-10 के प्रपोर्शन में स्कीम बननी थी हिमाचल सरकार ने अपना हिस्सा दिया, केंद्र से भी बजट यूपीए गवर्नमेंट ने दिया। लेकिन जब केंद्र में उसकी फंडिंग रोक दी गई, आज वो स्कीम अगर बन के तैयार हुई होती तो आज हमीरपुर टाउन में जो हाहाकार पीने के पानी की मची है, अगर वो स्कीम बनाई होती उसकी फंडिंग को ना रोका होता तो आज लोगों को राहत मिलती। मैं ये कहना चाहता हूं कि राजनीतिक दृष्टिकोण से जो स्कीमें पहले से ही अंडर प्रोसेस हैं, जो बनने की प्रक्रिया में हैं, उनके ऊपर राजनीति ना की जाए। उन स्कीमों को बनाने का काम जो है उसको गति प्रदान की जाए ताकि आने वाले से कि जो किल्लत है उससे छुटकारा मिल सके, राहत मिल सके। और वर्तमान में मैं कहना चाहूंगा कि वर्तमान सरकार जो है लोगों की इस पीने के पानी की समस्या का समाधान करने में पूरी तरह से विफल रही है। शासन प्रशासन भी इसके जो इंतजाम समय रहते करने चाहिए, उनकी तरफ शासन प्रशासन ने कोई ध्यान नहीं दिया और आज हालात ऐसे हो गए हैं कि पीने के पानी को लेकर लोग जो है वो दर दर भटक रहे हैं और ना नहाने के लिए पानी है ना पीने के लिए पानी है। हाहाकार जो है वो पीने के पानी देश के अंदर और सब जगह पहुंची।